हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 में नंबर्स पढ़े थे, 1 to 9 तक पढ़े थे। अब नेक्स्ट हमारा आता है 10 to 20 नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने 1 to 9 पढ़ा था, अब इस चैप्टर में हम 10 to 20 नंबर्स तक पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आता है आपका 10। अब इसमें अगर आप काउंट करो नंबर्स, ये कितने बन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। अब इसमें क्या कर रहा है, इनका एक बंडल बना दिया है, इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ 10। आपको 10 जो है 6 इकट्ठा करके उनको एक बंडल में बना दिया। चेरी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई आपकी 10 चेरीज। तो इनको बंडल में बनाया है इकट्ठा, बंडल मतलब बंच, इकट्ठा 10 का आपको ये बंडल बना दिया है। 6 देखो आप, मैथ 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का आपका मैथ 6 का बंडल है। बनाना देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे हो गए बनानास। अब आपका आता है मेक ग्रुप ऑफ 10। इसमें आपको 10 10 के ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, ये 1 2 3 4 5 5 आपको अलग अलग बॉक्सेस में ऑब्जेक्ट्स गिवन है, तो उसमें आपके 10 से ज़्यादा हैं ये सब। जैसे अगर आप इसको काउंट करो वेजिटेबल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं टोटल, बट आपको उसमें 10 का ग्रुप बनाना है। तो आपको 10 काउंट करके उसे हम एक बॉक्स में बना देंगे, उसका हम एक बंडल बना देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका गिवन है। अब आइसक्रीम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके यहाँ तक आपकी आइसक्रीम हमने काउंट करके ग्रुप में बना दिया, बंडल बना दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 जार्स हो गए। आप 10 तक ही काउंट करो और उसका ग्रुप बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी लीव्स का 10 का ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके हो गए 10 टॉफीज का ग्रुप। अब हमने 10 तक तो सीख लिया, अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्या करेंगे। अब जैसे आपका ये मैथ 6 गिवन है, ये देखो 9 गिवन है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में हम क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करते हैं तो हमारा बनता है 10 है। और 10 में हम, जैसे आपको यहाँ पे एक बंडल दिया हुआ है, ये 10 का बंडल है ये। पहले हमने 9 में से 1 ऐड किया, 9 में से तो 10 हो गया। अब यहाँ पे आपका गिवन है 10, 10 बंडल का आपका मैसेज दिया हुआ है, उसमें हमने 1 ऐड किया तो हमारा कितना हो गया, एक तो ये बंडल हो गया प्लस 1 हो गया, तो हमारा हो गया 1 1 11। ये आपकी नेक्स्ट काउंटिंग है, 10 के बाद आता है 11। अब देखो, अब यहाँ पे आपका 10 का बंडल था मैथ 6 का, उसमें हमने पहले 1 ऐड किया था, अब हम 2 ऐड कर देंगे, 2 मैथ 6 ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना रह जाएगा, कितना होगा, 1 2 12, 10 प्लस 2 हो गया हमारा 2 प्लस 0 2, 1 हम यू एज इट इज 1 लिख देंगे, तो हमारा हो गया 12। अब देखो 10 का बंडल है यहाँ पे मैसिक का, प्लस आपका 3 करेंगे हम, 1 2 3, तो हमारा बन जाएगा 1 3 13। 10 मैसिक का बंडल था, प्लस हमने 3 ऐड कर दिया, और तो 3 प्लस 0 हो गया हमारा 3। मैंने आपको एडिशन सिखाया था, अगर आपने एडिशन की वीडियोस नहीं देखी है तो आप एडिशन की वीडियोस देख लेना, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे बहुत सारी वीडियोस के,
और लाइक करना, शेयर ज़रूर कर देना। तो वन प्लस वन हम एज इट इज लेते हैं। अब आपको इसमें बनाना है 10 + 4 दिया हुआ, और हमारा यहाँ पे 14 नंबर लिखा हुआ है, बट हमें यहाँ पे स्टिक बनानी है। अब हम स्टिक बनाएंगे यहाँ पर, तो हमारी हो गई 1 stick, 2 stick, 4 बनाया है इसमें हमने, 3 stick, 4 stick, 4 आपका गिवन है, तो हम 4 मैच स्टिक बना देंगे। तो हमारा हो जाएगा 10 + 4 = 14, 1 4 = 14, 1 0 = 10, 1 1 = 11, 1 2 = 12, 1 3 = 13, 1 4 = 14। नेक्स्ट आपका आयता है 10 मैचस्टिक के बंडल प्लस 5 = 15, कितना हो गया 10 ही हो गए, 11 12 13 14 15। अब देखो 10 आपकी मैचस्टिक का बंडल है, यहाँ पे आपके 6 गिवन है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका कितना हो गया 10 + 6 = 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। इसमें ये आपको बंडल जो है इजी करने के लिए दिया हुआ है, जैसे आप बंडल बनाते हो 10 के बाद अगर आपको काउंट करना है तो ये आपके लिए इजी हो जाता है बहुत, नहीं तो अगर आपका अगर ज़्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो आप काउंट थोड़ी ना करते रहोगे, इसलिए आपका ये बंडल बना दिया है 10 का आपको ईजी करने के लिए। 10 + 7, तो 7 मैच स्टिक बनाओ आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 7 मैच स्टिक बनाई हमने, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 1 7 17 15 के बाद क्या आता है 16 17। अब हम करेंगे, अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 10 + 8 = 18, 10 + 8 = 18, 8 + 0 = 8, किसी भी नंबर को जीरो के साथ ऐड करोगे तो आपका नंबर वही रहेगा, 8 ही रहेगा। 1 हम नीचे लिख देंगे 1, तो 1 8 18, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 15 16 17 18, 18 के बाद क्या आता है 19, 10 + 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 6 है, 10 + 9 = 6 हो गए 19। काउंट करो अब आप शुरू से, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 आपके हो गए मैच स्टिक्स, और 10 + 10 आपका हो गया 20 20। जैसे यहाँ पे लिखो आप 1 0 1 0 और प्लस, तो 0 + 0 = 0 ही होता है, 1 + 1 = 2 होता है, तो 10 10 के आपके बंडल्स बना दिए, तो 10 + 10 = 20 bundles, क्लियर है। एक बार हम फिर से देखते हैं, हम 9 + 1 = 10, 10 + 1 = 11, काउंटिंग करते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आपके हो गया 20, तो काउंटिंग हो गई। अब आप इसमें देखो, मेक अ ग्रुप ऑफ 10 एंड राइट नंबर्स, हमें 10 10 की ग्रुप्स बनाने हैं और नंबर लिखना है यहाँ पे, जैसे हो गया 13 हो गया, जैसे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 हो गया। अब 13 कैसे लिख देंगे हम, वंस प्लेस पे आ गया आपका 3, टेंस प्लेस पे आ गया 1, टेंस प्लेस का मतलब होता है 1 0, ये आपकी टेंस प्लेस हो गई, और आपका वंस प्लेस पे अगर यहाँ पे 3 है तो आपका टोटल हो गया 13। आपको 10 का ग्रुप बनाना है, तो आपने 10 का ग्रुप बना दिया, यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ पे आ गया आपका 1s। अब आपको यहाँ पे बनाना है, टोटल काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ये टोटल आपके, 15 है, तो 15 कैसे लिखेंगे, आपका 1s प्लेस पे कौन सा आ गया, 1s प्लेस आपकी हो गई 5 और 10s प्लेस 1 हो गया आपका, ये हो गई आपकी 1 1 5 15,
अब आप इसमें ग्रुप बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप 10 का ग्रुप बना दो। हमने 10 + 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 15। अब इसको देखो, इसको इजी तरीके से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो, अब आपने यहाँ पर ये काउंट कर दिया, ये हो गया आपके 10। आपने यहाँ पे लिख दिया 1। अब और काउंट करो, कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रह गया आपका, तो ये आपका हो गया 18। टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गया। तो 1 स्पेस पे आपका आ गया 8 यूनिट, 1 स्पेस पे आपके आगे सबसे पहले वाली डिजिट आपकी हो गई। ये होती है आपकी, जैसे आपका नंबर 13 दिया हुआ है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। तो राइट हैंड साइड पे आपका आ गया ये वाला 3 नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 1 नंबर। तो 1 हो गया आपका 10th प्लेस, और राइट हैंड साइड वाला 1 प्लेस। इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमने 10 का ग्रुप बना लिया। अब आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 हो गए। और तो टोटल आपका हो गया, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा था, बंडल बनाया था 10 का, तो 10 + 9 कितना हो गया, 10 + 9 = 9 + 0 9, 1 एज इट इज लिख देंगे आप, तो 1 9, 10th प्लेस पे 1 हो गया, 1 प्लेस पे 9 हो गया, 19। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम 74 पेज से स्टार्ट करेंगे। हम आगे और कंप्लीट द टेबल पढ़ेंगे, टिक द ग्रुप विद मोर ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जॉइन इन ऑर्डर आगे हम पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही बहुत है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।